तो दोस्तों, अगर आपका बजट है 100 के और आप देख रहे हैं इस रेंज में कोई कैमरा सेंटर के स्मार्टफोन, तो इस वीडियो में हमने 1 लाख के बजट में आने वाले बेस्ट कैमरा फोन को रखा है, जो आपको टॉप नॉच कैमरा क्वालिटी निकाल के देंगे, जिससे आप प्रोफेशनल लेवल की फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। इसके अलावा इन फोन्स में आपको प्रोसेसर भी फ्लैगशिप मिल जाएंगे, जिससे आप हैवी गेमिंग करते हैं या मल्टीपल एप्स का भी यूज करते हैं तो ये फोन तगड़ा परफॉर्म करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन। दोस्तों, गूगल का ये फोन एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जिसमें गूगल अपने सारे फीचर्स पैक कर देता है और कैमरा पर्पज से भी ये फोन काफी अच्छा है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है गूगल का फ्लैगशिप चिपसेट गूगल टेंसर G3, जो एक डिसेंट प्रोसेसर है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियल में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा इसमें 10.5 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से आप 24 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की LTP OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का, SDR 10+ का सपोर्ट, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन और ब्राइटनेस 2400 nits की मिल जाती है। इसके अलावा इस फोन में आपको एंड्रॉइड वर्जन 14 और IP68 की रेटिंग मिलती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 5050mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग ये 30W की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 99,000 में मिल जाता है। सो नंबर 4 पर है Xiaomi 14 अल्ट्रा स्मार्टफोन। दोस्तों, Xiaomi का ये फोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको काफी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है। इसके अलावा इस फोन में कैमरा लाइका की पार्टनरशिप के साथ भी मिलते हैं। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 8Gen 3 प्रोसेसर, जो कि तगड़े लेवल का चिपसेट है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा कैमरा 15 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और एक 15 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। लेकिन इसके मेन कैमरे में सोनी का LYT 900 सेंसर मिलता है और बाकी के 3 कैमरा सोनी IMX858 सेंसर के साथ आते हैं। और फ्रंट कैमरे इसमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.73 इंच की क्वाड SD+ AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफी वाइब्रेंट कलर लेके आती है। इसके अलावा इसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का, SDR 10+ का सपोर्ट और ब्राइटनेस 3000 nits की मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग इसमें 90W की मिल जाती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 1 लाख में मिल जाता है। सो नंबर 3 पर है Vivo X100 Pro स्मार्टफोन। दोस्तों, इस रेंज में Vivo के इस फोन को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये फोन नाइट फोटोग्राफी में बेस्ट निकल के आता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट MediaTek Dimensity 9300, जो MediaTek का सबसे पावरफुल चिपसेट है और इसमें आप गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग सारे काम स्मूथली कर पाएंगे। और इसमें एक और चिप यानी कि V3 चिप का भी यूज किया गया है, जो गेमिंग और फोटोग्राफी दोनों में बैकग्राउंड में और अच्छा काम करती है। तो इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 15 मेगापिक्सल, दूसरा कैमरा 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा कैमरा 15 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। और सबसे खास बात, इस फोन में आपको जायस की कोलैबोरेशन के साथ बना 1 इंच का कैमरा सेंसर मिलता है। तो कैमरा पर्पस से ये फोन तगड़ा होने वाला है और सेल्फी कैमरा ये 32 मेगापिक्सल का लेके आता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का मिलता है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 5400mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 100W की मिल जाती है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें IP68 की रेटिंग और लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 14 भी मिल जाता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 90,000 में मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। दोस्तों, ये फोन सैमसंग का एक फ्लैगशिप फोन रह चुका है, जो काफी तगड़ी कैमरा क्वालिटी के साथ आता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है Qualcomm के फ्लैगशिप प्रोसेसर में से Qualcomm Snapdragon 8Gen 2, जो कि इस फोन के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके आता है। तो इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 10 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.8 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले मिल जाती है और ये डिस्प्ले वीडियो कंटेंट और मूवीज देखने के लिए काफी अच्छी है। इसके अलावा इसमें रिफ्रेश रेट 120Hz का, SDR 10+ का सपोर्ट, 1750 nits की ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो इसकी बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000mAh की बैटरी लेके आता है और चार्जिंग इसमें 45W की मिलती है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 1 लाख में मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में, और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 पर है हमारी लिस्ट का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन iPhone 15 Plus। दोस्तों, कैमरा पर्पस से एप्पल का ये फोन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और वीडियोग्राफी में भी ये फोन टॉप पर निकल के आता है। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है एप्पल i16 Bionic 5G चिपसेट, जिसमें आप गेमिंग करें या कोई भी हैवी यूजर्स करें ये फोन मक्खन चलने वाला है। तो इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल और दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इसमें 12 मेगापिक्सल का मिलता है और इसके फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से आप 24 FPS पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे। तो इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले है। तो इस फोन की बैटरी कैपेसिटी को देखें तो ये फोन 4383mAh की बैटरी के साथ आता है और चार्जिंग ये 20W की सपोर्ट करता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप इसके 250
256GB स्टोरेज के साथ जाते हैं तो ये फोन आपको 90,000 में ही मिल जाता है और इसका टॉप वेरियंट 512GB स्टोरेज के साथ अराउंड 1,05,000 में मिलता है। कुछ भी डाउट और कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।